इच्छा है बात करने के लिए कि ऑटो स्टॉक्स में किस तरह का प्रदर्शन रह सकता है मंथली सेल्स पे और इस वैल्यूएशन पे कौन से अच्छे लग रहे हैं स्टॉक। मितुल, कौन सा सवाल आप पहले जवाब देंगे, कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं या नंबर किसके तोड़फोड़ आएंगे इस बार? नंबर सभी के सब्ड्यूड होने की ज्यादा शक्यता दिख रही है क्योंकि गुड़ी पड़वा फेस्टिवल बहुत ग्रेट नहीं हुआ है, वेदर इट इज टू व्हीलर या पैसेंजर व्हीकल। सो इस वक्त वी विल थिंक के एंसिलरी कंपनीज जो रिप्लेसमेंट डिमांड पे ज्यादा निर्भर करती है, ये टायर कंपनीज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि ओईएम्स पे। ये आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि OEMs ने पीछे प्राइस हाइक भी लिया और इनफैक्ट ग्लोबली काउंटर्स, सेमीकंडक्टर काउंटर्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं, तो ऐसे में कौन से OEM स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर होंगे इस वक्त? OEM में ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल में इंप्रूवमेंट है बट वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है हमें। सो टू व्हीलर में सब्ड्यूड डिमांड कंटिन्यू चल रही है, एक्सपोर्ट भी खराब सिचुएशन में दिख रहा है। विद इन ओवरऑल OEM कॉमर्शियल व्हीकल्स आर बेटर प्लेस। कॉमर्शियल व्हीकल्स में जैसे कि ट्रक्स में और बसेस में अभी भी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यू है जो एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 8 months तक चालू रहेगा। सो उस बेसिस पे अशोक लेलैंड पे ध्यान दे सकते हैं, अशोक लेलैंड कैन रिलेटिवली आउट परफॉर्म विद इन एंटायर ऑटोमोबाइल स्पेस। अच्छा मितुल, डिमांड पर आपसे थोड़ी सी राय जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले दिनों ही हमने देखा कई सारी कंपनियों ने प्राइस हाइक अनाउंस किए हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू भी होने जा रहे हैं, इसका असर डिमांड पर किस तरह का पड़ता दिख सकता है आपके हिसाब से? डिमांड में ऑलरेडी वीकनेस चालू ही है बट ये कंपनीज के मार्जिन भी अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्फ्लेशन। कॉमोडिटी स्टेबल है बट बाकी इन्फ्लेशन जो एनर्जी कॉस्ट इन्फ्लेशन है, अदर ओवरहेड्स इन्फ्लेशन, उसके वजह से मार्जिन्स आर लोअर देन द हिस्टोरिकल एवरेजेस। सो प्राइस इंक्रीज लेना एक आवश्यक चीज है OEMs के लिए बट डिमांड वीकनेस के चलते हम ये ध्यान देते हैं, वी एज्यूम के प्राइस इंक्रीज वुड बी वेरी मिनिमम और वो सिलेक्टेड मॉडल्स जहां पे डिमांड और वेटिंग पीरियड ज्यादा है वहां पे प्राइस इंक्रीज ज्यादा आएगा। जो एंट्री लेवल कार्स है या एंट्री लेवल व्हीकल्स जहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी कंज्यूमर्स को ज्यादा दिखती है वहां पे बहुत ही मामूली इंक्रीज लिया जाएगा। सो ओवरऑल एवरेज इंक्रीज ये लोग मेंटेन करेंगे बट इट वुड बी डिफरेंशियल बिटवीन द एंट्री लेवल वर्सेस हाई एंड मॉडल्स। स्पेस पे भी आप बताएं वहां क्या प्रेफर्ड बेट होंगी, वो स्पेस भी इस रीसेंट गिरावट में ज्यादा वीक नहीं हुआ था, वहां पर अब भी कहां स्ट्रेंथ दिखती है? कहां सुनाई नहीं दिया? ऑटो एंसिलरी स्पेस, JBM ऑटो, ल्यूमिक्स जैसे काउंटर, इन सब में ऑटो एंसिलरीज में वी आर पॉजिटिव ऑन टायर कंपनीज राइट नाउ क्योंकि टायर कंपनीज में डिमांड इंप्रूवमेंट रिप्लेसमेंट साइड से दिख रही है। और ऑन द अदर हैंड रॉ मटेरियल जो टायर्स कंपनीज का होता है नियरली मोर देन 50% इज लिंक विद द क्रूड प्राइसेस। तो क्रूड प्राइस के नीचे आने की वजह से यहाँ पे मार्जिन एक्सपांशन का एक अच्छा आगे के रिजल्ट्स के परिणामों में अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है। तो टायर्स कंपनीज में सीएट और अपोलो टायर्स पे हम ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं कंपेयर टू अदर ऑटो एंसिलरी कंपनीज। सीएट और अपोलो टायर्स आपको पसंद है ऑटो एंसिलरी में? मितुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाजार में तेजी।